नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमने बनाई है बहुत ही टेस्टी, रसीली, रस भरी कुरकुरी जलेबी। लॉकडाउन के चलते पूरे देश में सभी तरह की मार्केट, हलवाई की दुकानें बंद हैं, तो ये जलेबी की जो रेसिपी है इतनी आसान है, इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी है। इसको आप फटाफट से बना के खा सकते हैं, ना आपको इसको घंटों फर्मेंट करने की ज़रूरत है। बहुत कम सामान में बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी जलेबी बनी हुई है। तो रेसिपी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, और अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसकी जगह 1.5 चम्मच सूजी भी ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे, दही आप 1 दिन पुराना ले सकते हैं। दही डालने से पहले अच्छे से उसे फेंट लें। और ये 1 चम्मच हमने डाल दिया है इसमें शुद्ध देसी घी, इससे हमारी जलेबी एकदम क्रिस्पी करारी बन के तैयार होंगी। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, 1 चम्मच घी आप इसमें ज़रूर ऐड करें। 2 चुटकी के बराबर ये मीठा सोडा ऐड कर दिया है, और 1 पिंच डाल दिया है येलो फूड कलर। आप इसकी जगह केसरी फूड कलर भी ले सकते हैं, या बिना कलर के सिर्फ हल्दी डाल के भी इसको बनाया जा सकता है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बैटर बनाएंगे। जलेबी के लिए बैटर सेमी थिक जाता है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। अगर पतला हो गया बैटर तो हमारा पूरी जलेबी तेल में जाते ही फ्लैट हो जाएंगी, गाढ़ा हो गया तो बैटर निकलने में मुश्किल हो सकती हैं। पानी आप थोड़ा देख के ही डालें। अगर आपको लगे कि बैटर पतला हो गया है तो आप इसमें 1 चम्मच मैदा और ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए हम बैटर को ढक के साइड में रख देंगे, और तब तक हम जलेबी के लिए शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। जिस कप से हमने मैदा ली थी उसी कप से 1.5 कप ले लिया हमने चीनी, और 1 कप डालेंगे इसमें पानी। जलेबी के लिए जो चाशनी बनती है वो बिना तार की बनाई जाती है। तेज़ गैस पे हम चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे। 3 से 4 हरी इलायची इसके अंदर तोड़ के डाल देंगे। कोई भी इंडियन स्वीट हो, अगर उसमें केसर इलायची चली जाती है तो मिठाई का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। चीनी को इस तरह से चलाते हुए तेज़ गैस पे हमें घुलने तक पकाना है। जैसे ही चीनी घुल जाए इसमें हम थोड़ा सा केसर और 3 से 4 ड्रॉप नींबू का रस डाल देंगे। इससे हमारी जो चाशनी है इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। कई बार हमने देखा है जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती जाती है उसमें जम जाती है चीनी, वापस से क्रिस्टल बन जाते हैं, तो नींबू का रस डालने से ये दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही चीनी पानी के साथ घुल जाए 0.5 से 1 मिनट हमें इसे और पकाना है। सिरप हमारा बन के तैयार हो गया। जलेबी बनाने के लिए आप किसी भी थैली का यूज कर सकते हैं, तेल की थैली हो आपके पास, दूध की हो, या फिर जो सॉस की बोतल बच्चों की होती है उसमें भी जलेबी बनाई जा सकती है। बिल्कुल बढ़िया हमारा बैटर बनके तैयार हुआ है। आपको जिससे आसानी लगे आप उससे जलेबी बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से दूध के पैकेट से जलेबी बना रहे हैं तो इसको आप बैटर डालने के बाद रबड़ से बांध लें। से बहुत ही आसानी से आपकी सभी जलेबियाँ बन जाएंगी। और जिस साइज़ की आपको जलेबी चाहिए, छोटी बड़ी सॉरी पतली मोटी, उस तरह का आप इसे काट सकते हैं। 1 ड्रॉप आप डाल के देख लें। जलेबी फ्राई करने के लिए तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तभी हमारी जलेबी बढ़िया बनेंगी। अगर ठंडे तेल में हम इसे डाल देंगे तो जलेबियाँ सोगी हो जाएंगी, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी। इस तरह से सॉस की बोतल से भी जलेबी बनाई जा सकती है। इससे बहुत ही पतली पतली एकदम मार्केट वाली हमारी
शादी वादी में भी आपने कई बार देखी होंगी, जो क्रिस्पी करारी पतली पतली जलेबियाँ बनी होती हैं वैसे ही बन के तैयार होंगी। एक दो बैच में आपको जलेबी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपका हाथ बिल्कुल बैठ जाएगा और फिर सारी जलेबियाँ बहुत ही अच्छी बन के तैयार होंगी। क्योंकि हम लोग जलेबी रोज़ नहीं बनाते, तो आप शेप की बिल्कुल टेंशन ना लें, हमें मतलब है जलेबी को क्रिस्पी करारी बनाने से। तेज़ फ्लेम के पे हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया जलेबियाँ बन रही हैं, जैसे हम इसे तेल में डाल रहे हैं फूल के ऊपर आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह का हमें बैटर चाहिए, तभी हमारी जो जलेबी है वो एकदम करारी रस भरी बन के तैयार होंगी। और अब इसे क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई कर लेना है। शुगर सिरप ना आपको बहुत ज़्यादा गर्म लेना है ना बिल्कुल ठंडा, हल्के गरम शुगर सिरप में आप इन चाशनी को फ्राई करके डाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा देर के लिए भी सिरप में हमें जलेबी को नहीं रखना है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हम जलेबी रखेंगे, उसके बाद इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारी जलेबी बना के फ्राई करनी है। पहले इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे, उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि जलेबी हमारी खुले नहीं। कि कितनी बढ़िया जलेबियाँ बन रही हैं एकदम पतली पतली। एक बार तो ये रेसिपी ट्राई करना बनता है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं ये। अभी मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ, ये देखिए है ना बिल्कुल करारी करारी। इसको आप थोड़ा सा करारा ही सेकिए और तुरंत निकाल के इसे चाशनी में डाल दीजिए। दस पंद्रह सेकंड चाशनी में रहने के बाद आप इनको निकाल लें और किसी भी प्लेट में रखते जाएं। एक बैच में आपको और फ्राई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जलेबी अब बन रही हैं, आप साइज़ देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं। आपकी भी जलेबी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगी अगर आपने कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा। एक तो आप जब भी इसका बैटर बनाएं, बैटर में एक चम्मच घी ज़रूर डालें। कॉर्नफ्लावर या सूजी भी ज़रूर मिक्स कर लें, इसमें से कोई एक चीज़ आप ज़रूर डाल दें। इससे आपकी जो जलेबियाँ हैं वो एकदम करारी बन के तैयार होंगी। और जलेबी फ्राई करने के लिए तेल हमेशा तेज़ गर्म ही लें। थोड़ा सा करारी जलेबियों को सेकें और उसके बाद इनको डायरेक्ट चाशनी में डाल दें। चाशनी में बहुत ज़्यादा देर तक जलेबी को ना रखें, कुछ सेकंड चाशनी में रखने के बाद इनको तुरंत निकाल के प्लेट पे रख दें और गर्मा गर्म ये जलेबी खाइए। ठंडी ठंडी इसके साथ रबड़ी बना के ये जलेबी और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं, है ना एकदम बढ़िया क्रिस्पी करारी। आई होप आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ऊपर से थोड़े से पिस्ता डाल के हमने इनको गार्निश कर दिया है। हर एक जलेबी आप देखिए कितनी सुंदर रस से भरी हुई है। तो अब जब भी आपका भी जलेबी खाने का दिल करे, फटाफट से बनाइए, खाइए, अपने परिवार को खिलाइए। जितनी ये जलेबी देखने में सुंदर लग रही हैं, खाने में तो कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। कहीं से भी मार्केट से कम नहीं है, बल्कि मार्केट से ज़्यादा टेस्टी ये जलेबी बनी हुई हैं। तो आप सभी ने देखा कितनी जल्दी हमने ये जलेबी अब बना ली। इनको बनाने में, पूरा प्रोसेस करने में आपको मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। अब ना आपको घंटों तक बैटर को फर्मेंट करने की ज़रूरत है। एक कप मैदा में हमारी 50 से भी ज़्यादा जलेबियाँ बन के तैयार हुई है। पूरा परिवार पेट भर के खा भी लेगा और फिर भी जलेबियाँ बच जाएंगी।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मैं आऊँगी आप सबके लिए एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह की नई नई स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए कैसे जूस से भरी हुई है हमारी जलेबी। आपकी भी जलेबी ऐसे ही बनेंगी अगर आपने इसी तरीके से बनाई तो।